माँ बात सुन लो। वेट करो 5 मिनट। आवाज आ रही मेरी? माई वॉइस इज कमिंग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, थोड़ा चैट में लिख के बताओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? प्रिंटर। अच्छा ठीक है, आज हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस हम लोग हेडिंग डालेंगे आज। इनपुट डिवाइस अंदर आओ। अभी हम थोड़ी देर में बता दें, क्लास ले लें। हाँ।
इनपुट डिवाइस हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। इनपुट डिवाइस में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप लोग कौन कौन सी इनपुट डिवाइस जानते हैं बताइए, आप लोग कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस जानते हैं। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। माउस जानते हैं और लाइट पेन, और वेरी गुड माउस, टच स्क्रीन वेरी गुड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल वेरी गुड। तो अब इन्हीं को ठीक है आप लोग इनपुट डिवाइस जानते हैं, अब हम लोग इनपुट डिवाइस को कुछ कैटेगराइज कर देंगे, कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कैसे देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे आप लोग भी लिखते चलिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के जो एग्जाम्पल है दैट इज माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये पॉइंटिंग डिवाइस। ये एग्जाम में पूछता है आपसे, एग्जाम में देखो वर्किंग तो खैर नहीं पूछता है, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि क्या टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा या ट्रू एंड फॉल्स को करना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग डिवाइस, अनदर कैटेगरी इज टाइपिंग डिवाइस। टाइपिंग डिवाइस में जो आपके सामने में एग्जाम्पल है दैट इज हम किस चीज से टाइप करते हैं, कीबोर्ड से। तो अब आप बताएंगे कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, टाइपिंग डिवाइस से। ठीक है, टाइपिंग, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस ये कैसी डिवाइस है, स्कैनर्स जितने भी होते हैं ठीक है, इसमें आएगा स्कैनर। अब स्कैनर के, स्कैनर की कई कैटेगरी होती हैं, वो अब यहां पे लिख देते हैं हम। जैसे शीट फेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, ये स्कैनर की कैटेगरी। अभी शीट फेड, हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड ये कैसे होते हैं ये अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, कैप्चरिंग डिवाइस, ये सब इनपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। कैप्चरिंग डिवाइस, कैप्चरिंग डिवाइस में आ जाएगा आपका वेबकैम, यानी वेब कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा ये कैप्चरिंग डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस में कौन सा आ जाएगा आपका, आ जाएगा माइक्रोफोन, माइक जिसको कहते हैं, माइक्रोफोन।
ठीक है, ये रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड करने के लिए होगा, ये वेब कैम आपकी वीडियो कॉलिंग, और फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए होगा, स्कैनर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होगा। अभी ये किस तरह के होते हैं ये हम अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। टाइपिंग में जो है कीबोर्ड यूज हो जाएगा, तो साउंड रिकॉर्डिंग पॉइंटिंग डिवाइस, अब देखो यहाँ पर फिर से पॉइंटिंग डिवाइस, टाइपिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, कैप्चरिंग डिवाइस और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये इनपुट डिवाइसेज हैं सारी, ठीक। जिसमें से अच्छा अब आप लोग ये स्कैनर देख लीजिए, जो शीट फेड और हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड, ये कैसा होता है इसको देख लिया जाए, तो हम यहाँ पर डालेंगे शीट फेड स्कैनर, देखिए कैसा होता है शीट फेड स्कैनर, ये इस तरह का दिखता है। ये देखिए इसमें क्या होता है, एक तरफ से शीट डाल दी जाती है, दूसरी तरफ से शीट बाहर निकल, जैसे मार्कशीट इधर से डाली और इधर से निकल आई, फैक्स मशीन की तरह। तो इसमें क्या होता है, इस डेटा को ये कैप्चर कर लेता है और कंप्यूटर में डाल देता है, ये डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसकी और भी इमेजेस हैं, ये देखिए आप इमेज देख लीजिए, ये इधर से ऐसे डाला और निकल आया बाहर, तो स्कैन कर रहा है। स्कैनर क्या करता है कि जैसे जिस चीज को आप टाइप ना कर सकते, जैसे आपको आपकी फोटो कंप्यूटर में डालना है, आप फोटो आपके पास है छपी हुई, आपने आपके पास फिजिकली फोटो है, उसको आपको कंप्यूटर में डालना है, तो जस्ट यूज द स्कैनर, तो स्कैनर से आप उस फोटो को डाल देंगे। भाई टाइप से, टाइपिंग से, कीबोर्ड से थोड़ी फोटो डाल सकते हैं आप, या माउस से फोटो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डिवाइस आएगी, जैसे अब आपको मार्कशीट डालनी है कंप्यूटर के अंदर, तो कैसे डालेंगे, स्कैनर से डालेंगे। तो स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, तो इस तरह के जो स्कैनर होते हैं उसे शीट फेड स्कैनर कहते हैं। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सबको, एक बार यस नो करके लिखो। टाइपिंग डिवाइस में सिर्फ कीबोर्ड ही आता है, और किस चीज से टाइप करते हैं टाइपिंग डिवाइस में, और किस चीज से टाइप करेंगे, वही आता है ना। चलो दिख रहा है सबको, ठीक है, शीट फेड देख लिया। अब देखो इसमें हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर ये देखा है आपने, बिलिंग वगैरह में यूज होता है, जहां पर जैसे इस टाइप से देखा होगा आपने, काउंट बिल काउंटर पे इस तरह के स्कैनर्स यूज होते हैं। ये देखिए, ठीक है, बार कोड को रीड करने वाले ये स्कैनर होते हैं, इसको OBR भी बोलते हैं, इस हैंड हेल्ड स्कैनर को OBR भी बोलते हैं, अभी हम OBR MICR भी बताते हैं आपको, ये क्लियर है, हैंड हेल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर ये इस तरीके के स्कैनर होते हैं। ये देखा होगा ढक्कन के टाइप के होते हैं, कैप खोला और यहाँ पे फोटो रखा या जो भी आपको रखना है आपने उसको रख करके, और इसको स्कैन करेंगे, ये इमेज कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। तो ये सारे आपके स्कैनर्स हैं। यहाँ पर ये जो शीट फेड है, शीट फेड ये आपका ऑफिस वगैरह में यूज होता है, और फ्लैट बिट भी आपका ऑफिस पर्पस से यूज होता है। हैंड हेल्ड ये बिल वगैरह कैलकुलेट करने में यूज होता है, ठीक है, ये भी आप आगे लिख लीजिए, शीट फेड ऑफिस, हैंड हेल्ड बिल, फ्लैट बेड ऑफिस, आपने देख लिया कि ये किस तरह के स्कैनर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ स्पेशल स्कैनर्स होते हैं, उनको अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर, सम स्पेशल स्कैनर्स। सम स्पेशल स्कैनर, कुछ स्पेशल स्कैनर्स हैं लाइक MICR, OBR, OMR, ये सबको लिखते चलिए, सबका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है आपका, OCR, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर recognition. OBR is optical bar recognition, या reader भी कहते हैं इसको. OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकग्निशन. रीडर या रिकग्निशन एक ही चीज है, ठीक है. ओ सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है. ये हुए, ये यूज कहां कहां पर होते हैं, यूजेज लिख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं. एक बार इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं. ये यूज होते हैं आपके बैंक में, ठीक है. ये डीडी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह या चेक को चेक करने के लिए यूज होते हैं, चेक को स्कैन करने के लिए, चेक का जो डेटा है उसको स्कैन करने के लिए. और जो OBR होता है, ये हैंड हेल्ड स्कैनर जो अभी आपको हमने दिखाया, ये बिलिंग में यूज होता है, बिलिंग. और OMR ये एग्जामिनेशन, आपने वन डे एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपने OMR शीट भरी होगी, तो उस OMR शीट को स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए OMR का यूज होता है. ये एग्जामिनेशन में यूज होती है. जो आपने वन डे एग्जाम्स वगैरह या एंट्रेंस वगैरह अगर कभी दिया होगा या कोई फॉर्म भरा होगा तो इसमें OMR शीट्स भरते हैं, तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए OMR यूज होता है, ठीक है. ये क्या करता है, ये रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कुछ लिखा हुआ हो, प्रिंट करा हुआ हो, उसको ये पढ़ेगा, ठीक है. एंड कन्वर्ट इनटू द एडिटेबल टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू एडिटेबल. एडिटेबल का मतलब अब आप जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टेक्स्ट आपको कंप्यूटर में एडिटेबल फॉर्म में मिल जाए, दैट मींस आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको हम एडिटेबल कहते हैं. एडिटेबल मतलब जिसको थोड़ा बहुत रद्दो बदल किया जा सके, चेंज किया जा सके. तो ये तो इसके यूज होगा. MICR, OBR, OMR, OCR, ठीक है. ये दिखते कैसे हैं, अब इनको हम लोग देख लेते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ठीक है. इनपुट डिवाइस का ये आपके सामने, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब आपको दिख ही रहा है. टच स्क्रीन, ये आपका ट्रैक बॉल है, ये ट्रैक बॉल आपको दिख रहा है यहाँ पर. दिस इज ट्रैक बॉल. ये ट्रैक बॉल दिख रहा है आपको, ये वेब कैमरा है आपका, ठीक है. ये कंप्यूटर के ऊपर लगा रहता है. अब तो लैपटॉप में इनबिल्ट आते हैं, लैपटॉप में तो ये रहता ही रहता है, हर लैपटॉप में आपको मिल जाएगा. बाकी माउस है, कैमरा है, स्कैनर है, ये टच स्क्रीन है. टच स्क्रीन आपको शॉपिंग मॉल्स वगैरह में दिखता होगा अक्सर. ये फ्लैट बेड स्कैनर है. फ्लैट बेड स्कैनर कैसे काम करता है ये देख लीजिए. फ्लैट बेड
बिलिंग हैंड हेल्ड में होती है। ये यहाँ पर ये स्कैनर है आपका फ्लैट बेड, ये बुक को स्कैन करके इस कंप्यूटर में ले आएंगे। टच हियर टू स्टार्ट, बाकी इनकी जो भी ये चीजें हैं, ये इसको जैसे ये देखो, ये जो इमेज है, इमेज को स्कैन करके ये ढक्कन, जो भी ढक्कन ओपन वाला होता है ना, ये फ्लैट बेड कहलाता है। जो भी आप ढक्कन को ओपन करके अगर यूज करेंगे तो वो हमारा फ्लैट बेड कहलाता है। ठीक है, जो भी स्कैनर हमारे कैप खोल करके इस तरह से, जैसे फोटोकॉपी मशीन जो होती है उसमें ऊपर फ्लैट बेड स्कैनर ही लगा रहता है फ्लैट बेड में। ठीक है, ये शीट फेड स्कैनर है। शीट फेड स्कैनर देख लीजिए कैसा होता है, जस्ट हैव अ लुक। ये देखो, ये देखो शीट फेड, शीट डाली और इधर से निकल आई। अब जो भी इसमें ये है, ये कंप्यूटर में चला गया डेटा। ये देखो शीट्स डाली और ये इस पूरे डेटा को स्कैन कर लिया, स्कैन करके ये कंप्यूटर में चला गया। कुछ भी स्कैन कर सकते हैं, यू कैन स्कैन एनीथिंग। दिस टाइप ऑफ स्कैनर इज शीट फेड स्कैनर। ये आपके कैमराज वगैरह हैं। MICR देखो कैसा होता है, MICR एक चेक वगैरह को कैसे चेक करता है, कैसे वर्क करता है, देख लो दिखने में कैसा होता है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। छोटा सा होता है, देखो ये चेक वगैरह डीडी वगैरह लगा देते हैं इसमें। ये देखो दिख रहा है आपको सामने, दिस इज योर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सब है आपका MICR। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR। OCR कैसे वर्क करता है ये देख लो। OCR ये प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को। कैसे देखो, ये यहां पर ध्यान से देखो, ये स्कैनर है जो व्हाइट कलर का है, ये स्कैनर है। इन्होंने इसके ऊपर वॉच रख दी है, वॉच। तो वॉच के पीछे जो लिखा हुआ है वो नंबर देखो स्क्रीन पर आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा इनके सॉफ्टवेयर में, जो भी इनका सॉफ्टवेयर होगा। देखो ध्यान से, ये देखो ये वॉच के पीछे लिखा हुआ नंबर है, यही नंबर यहां पर ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा। ये देखो आगे, अब वी कैन एडिट इट, इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वॉच रखा और ये यहाँ पर स्कैनिंग कर ली। ये हो गया हमारा OCR। ठीक है, यहाँ इमेज में भी आपको दिख रहा है OCR कैसे, ये इमेजेस है ना, इसको इसके ऊपर ऐसे पेन टाइप का भी आता है, ये कई तरह के आते हैं, ये इस तरह का भी आता है अपना, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल इस तरह के माउसेस होते हैं, ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह में यूज होते हैं, या MRI वगैरह होता है, या सिटी स्कैन वगैरह होता है, उसके जो माउस होते हैं कुछ स्पेशल डिवाइस। ये जो बॉल होती है, इसको बॉल को मूव करने पे माउस पॉइंटर मूव होता है। जैसे हम लोग के लैपटॉप में टच पैड होता है वो प्लेन होता है, ट्रैक बॉल में प्लेन ना होकर के बॉल के फॉर्म में ये होता है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें शायद वीडियो डली हुई है, एक सेकेंड। ट्रैक बॉल, ये देखो ट्रैक बॉल दिख रहा है सामने, ये इसको मूव करेंगे, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ऐसी क्या कहते हैं आपकी मेडिकल लाइन में यूज होती है सब। ये तो इसको रिपेयरिंग का दिखा रहे हैं, ठीक है,
समझ में आ गया? ये आपका बार हैंड हेल्ड स्कैनर है, जो हैंड हेल्ड स्कैनर से ही बिलिंग होगी, हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, इसको हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। हैंड हेल्ड को भी एक बार हम लोग जस्ट हैव अ लुक, ऐड आ रहा, दिस इज हैंड हेल्ड स्कैनर, ये इसको बार कोड्स को रीड करता है, ठीक है। इस तरह के भी स्कैनर होते हैं, हाईटेक स्कैनर है ये सब। ये OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो एग्जाम की वन डे एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम में जो इस तरीके से शीट भरते हैं उसको चेक करता है, उसको स्कैन करता है। उसकी भी वर्किंग देख लीजिए आप लोग, जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कैनर। लाइट पेन तो आपने देखा ही, ये लाइट पेन ये हमारे पास भी, आपने हमारे क्लास में हमको यूज करते हुए भी देखा होगा, हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे भी यूज करते हैं। और ये देखिए ये भी है, इसमें कोई इंक विंक नहीं है, ये बस टच पैड पे चलता है, ठीक है। दिस इज योर लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक से वीडियो गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, उसको भी ऐसा देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन, किसी तरह कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे इनपुट डिवाइस में, क्योंकि इनपुट डिवाइस इतनी ही है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा कुछ काम भी है हमें, तो हम क्लास आपकी इतनी ही लेंगे, ठीक। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। ओके, चलो दैट्स इट, बी सेफ।